महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे या जाएंगे, इसका निर्णय अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। ये संशय इसलिए बना हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे इस समय विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, उनके पास अपनी कुर्सी बचाने के क्या क्या विकल्प हैं, इससे पहले भी भारत में कब कब इस तरह की संवैधानिक स्थिति पैदा हुई और राज्यपाल ने इस स्थिति में क्या निर्णय लिया था, ये भी आपको बताएंगे। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य कैबिनेट की तरफ से ठाकरे को विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नामित करने की सिफारिश का विरोध किया था। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दी थी। अब राज्यपाल ही उद्धव ठाकरे को विधान परिषद में अपने कोटे से नामित सदस्य के तौर पर प्रवेश देने या नहीं देने का निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले साल 28 नवंबर को शपथ ग्रहण करने वाले उद्धव ठाकरे इस समय महाराष्ट्र विधानसभा में किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें 28 मई से पहले विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी है। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते सभी तरह के चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं। इसी कारण राज्य कैबिनेट ने 9 अप्रैल को उद्धव को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य चुने जाने की सिफारिश की थी। इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी हुई थी। बात 1961 की है, जब महाराष्ट्र जैसी ही परिस्थिति में चंद्रभान गुप्ता को मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्यपाल ने अपने कोटे से विधान परिषद में नामित किया था। राज्यपाल के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था और गुप्ता मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहे थे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि गुप्ता सालों से सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं और उनके पास सामाजिक सेवा का भी पर्याप्त अनुभव है, इसके चलते वो विधान परिषद का सदस्य नामित करने के लिए पूरी तरह योग्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को राज्य विधान परिषद में लोगों को नामित सदस्य बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत राज्यपाल ऐसे लोगों को नामित कर सकते हैं जिन्होंने साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष नाम कमाया हो। फिलहाल राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की 2 सीट खाली हैं। उद्धव ठाकरे के पास विकल्प है कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव आयोग से 27 मई से पहले 9 विधान परिषद सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव करने का आग्रह कर सकती है। राज्य सरकार 9 अप्रैल की कैबिनेट सिफारिश पर जल्द से जल्द निर्णय लिए जाने का आग्रह राज्यपाल से कर सकती है। राज्य सरकार इस सिफारिश पर राज्यपाल को स्पष्ट निर्देश जारी कराने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्ववर्ती निर्णयों का हवाला दे सकती है जिनमें कैबिनेट सिफारिशों को राज्यपाल के लिए अनिवार्य माना गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।